जब भी हमें जीरो वाली संख्या से गुणा करना होता है या जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें जीरो लगे होते हैं तो उनको पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। कितने जीरो हैं इसमें? वन है। तो इस वन जीरो को अभी हम लोग छोड़ देंगे, हमने काउंट कर रख लेंगे कि कितने हैं, वन है। अब चलिए पहले जो डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 = 54, तो 4 लिखा, 5 कैरी लगा, 6 5 = 35, 35 3 कैरी लगा, 6 1 = 6 और 3 9। हमने जीरो कितने काउंट किए थे? 1। तो अब हम लोग बाद में इसमें क्या करेंगे, जितने जीरो हमने काउंट किए हैं उतने जीरो इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 9 5 4 0। और इसको करने का एक और तरीका हमारा होता है, जैसे कि 159 × 60, तो जीरो से भी जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, 5 को करेंगे तो भी जीरो आएगा, 1 को करेंगे तो भी जीरो आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 54 आएगा, 5 कैरी लगेगा, 6 5 = 30 और 5 = 35, 3 कैरी लगा, 6 1 = 6 और 3 9। चलिए प्लस कर लेते हैं इनको, 0 का 0, 4 में 0 प्लस किया 4, 5 में 0 प्लस किया 5, 9 में कुछ है नहीं ऊपर तो 9 का 9 लिख देंगे। देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है, बट ये हमारा शॉर्ट मेथड होता है और ये हमारा लॉन्ग मेथड होता है। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकेंड सम देखते हैं। हमारा सेकेंड सम है 295 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 80 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 295 × 80। चलिए देखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया जितने जीरो होते हैं वो काउंट कर लेते हैं, कितने जीरो हैं इसमें, वन है, तो 10 हम लोग बाद में इसमें बढ़ा देंगे। तो चलिए जो डिजिट्स हैं उनका पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 = 40, 4 कैरी, 9 8 = 72 और 4 76, 7 कैरी, 8 2 = 16, 16 और 7 23, कितना आया, 2360 आया। पर लेकिन अभी हमारा एक जीरो इसमें बढ़ाना बाकी है, तो ये जीरो और बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 23600। क्या आ जाएगा, 23600। अब हम लोग अपना थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम हमारा क्या है, थर्ड सम में भी हम लोगों को यही करना होगा क्योंकि उसमें भी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 348 × 90। सॉल्यूशन डालेंगे, 348 × 90। अभी मैंने आप लोग को बताया पहले शून्य गिन लेते, यानी कि जीरो गिन लेते, एक जीरो है, 9 8 = 72, तो 72 का हम लोग 2 लिखेंगे, 7 कैरी लगाएंगे, 9 4 = 36 36 और 7 37 38 39 40 41 42 और 43, यानी कि 3 लिखेंगे, 4 कैरी लगेगा, 9 3 = 97 27 में 4 प्लस करेंगे, 28 29 30 और 31, तो हमारा क्या आ गया, 3132। पर लेकिन अभी इसमें एक जीरो और बढ़ाएंगे क्योंकि एक जीरो हमने पहले से गिन रखा था, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 31320। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनफल बताइए। इसमें भी हमें गुणा ही करना, पर लेकिन उसमें हमें 2 डिजिट्स दी होती थी, इसमें हमको 3 डिजिट्स दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, 2 × 63 × 5। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 2 डिजिट्स का गुणा कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं,
63 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, पहले 2 3 6 और 2 6 12, क्या आया हमारा 126 आया। अभी हमारा 5 बचा हुआ है ना, तो अब हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 का करेंगे। 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10 और 3 10 और 3 13, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 6, 630। ये आ गया हमारा आंसर। इसको करने का एक और तरीका होता है, कैसा होता है, जैसे कि हमें ये सम दिया है तो हम लोग इसमें क्या करें, जो ये छोटी संख्याएं हैं इनको हम लोग एक तरफ कर लें। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 63 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ही तो पहुंचाया है इसको, उससे वैसा तो चेंजमेंट किया नहीं, कोई संख्या तो हमने बदले नहीं है इसमें, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से करने से हमारा सम इजी हो जाता है। तो 63 मल्टीप्लाई 2 5 5 2 10, अब 63 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अभी आप लोग को बताया है जीरो जितने होते उतने हम लोग काउंट कर लेते हैं या बढ़ा देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया 3 आया, 1 का मल्टीप्लाई 6 में किया 6 आया। ये देखिए हमारा ज्यादा इजी है सम इससे, तो अगर आप करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम अपना बी नंबर सम देखते हैं। बी नंबर सम है हमारा 5 × 97 × 20, तो चलिए करते हैं इसको। 5 × 97 × 20, तो चलिए 5 का मल्टीप्लाई हम लोग पहले किस में करेंगे, 97 में करेंगे। सेवन फाइव, फाइव सेवन जा 35, 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 48, कितना आ गया हमारा 485 मल्टीप्लाई 20। तो चलिए 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें जितने जीरो होते हैं काउंट कर लेते हैं। 2 5 10, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, एक जीरो हमारा बाकी था ना, तो एक जीरो हमने इसमें बढ़ा दिया, तो आंसर आ गया हमारा 9700। तो आंसर हम लोग लिख लेंगे, क्या आ गया हमारा 9700। अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। सी नंबर है हमारा 4 × 86 × 25, तो 4 × 86 × 25, तो 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, 86 में करेंगे। तो चलिए करते हैं, 4 6 24, 2 कैरी, 4 8 32 और 2 34, अब किसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का, 3 44 आया, इसमें हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का। तो 25 का टेबल सभी को नॉर्मली आता है, 25 4 100, 10 कैरी, 25 4 100 और 10 110, 0 11 कैरी, 25 3 75, 75 में 11 हम लोग प्लस करेंगे तो 5 1 6 7 1 8, कितना आया हमारा 86। इसका मतलब कि आंसर हमारा आ गया 8600। आंसर डालेंगे हमारा क्या आ गया, 8600। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुणन फल ज्ञात कीजिए, इसमें भी हमको वही करना है मल्टीप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं, 946 × 27, तो पहले हम लोग किसका करते हैं, इकाई वाले अंक का, इकाई वाले 7 6 42, 4 कैरी, 7 4 28 और 4 32, 3 कैरी, 7 9 63, 63 में 3 प्लस किया 64 65 66, अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 9 18, तो चलिए प्लस कर लेते हैं 2, 2 में 2 प्लस किया तो आएगा हमारा 4, 9 में 6 प्लस करेंगे
तो हमारा आएगा 15, वन कैरी, 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 14 वन 15, वन कैरी, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया। अब हम लोग आंसर डालेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ गया इसमें 25542, यानी कि 25542। क्या आ गया? 25542। अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं। बी नंबर सम है 816 मल्टीप्लाई 58। तो चलिए इसको करते हैं, सम को सॉल्व करते हैं। 816 मल्टीप्लाई 58, पहले हम लोग इकाई वाले अंक का गुणा करते हैं। 8 सिक्स 48, 4 कैरी, 8 वन जा 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 8 जा 64 और 1 65, 5 सिक्स जा 30, 3 कैरी, 5 वन जा 5 और 3 8, 8 5 या 5 8 जा 40। चलिए प्लस करते हैं इसको, 8 में 8 आया, 2 में 0 प्लस किया 2 आया, 8 और 5, 8 5 होता है हमारा 13, 1 कैरी, 6 1 7 और 4। क्या आ गया हमारा आंसर? 47328। क्या आंसर आया? 47328। चलिए अब हम अपना सी नंबर सम देखते हैं। हमारा थर्ड सम है 778 मल्टीप्लाई 55। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 778 मल्टीप्लाई 55, तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 4 39, 3 कैरी, 5 7 जा 35, 35 में हमने 3 प्लस किया 36, 37, 38। अब देखिए फिर से हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग फिर से यही डिजिट आएगी, फिर उसी को उतार देते हैं 83। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, 0 9 में 0 प्लस किया 9, 9 और 8 17, 1 कैरी, 8 3 11 1 12, 1 कैरी, 3 1 4। तो आंसर हमारा आ गया 42790। क्या आया हमारा आंसर? 42790। अब हम अपना डी सम देखते हैं, इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है 3677 मल्टीप्लाई 56। तो चलिए शुरू करते हैं। 67 जा 42, 4 कैरी, 67 जा 42 और 4 46, 4 कैरी, 66 जा 36 और 4 40। अब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम लोग इकाई का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद दहाई का। तो 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 38, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 30 में 3 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया 33, 2 6 और 5 11, 1 कैरी, 8 और 1 9, 4 3 7 और 3 का 3, मतलब कि हमारा आंसर आ गया 37912, मतलब कि 37912। अब ये इस क्वेश्चन में आपके इसी तरह के और भी सम्स हैं, सो प्लीज आप लोग उनको करने की कोशिश कीजिएगा।